हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसन। आज हम देखेंगे सागर मथा संवाद के बारे में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेपाल जो है इन्वाइटेड किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ओके, टू द सागर मथा संवाद के लिए। इसमें जो है सागर मथा संवाद में इसमें बहुत सारा जो कंट्रीज है, ग्लोबल कंट्रीज है, वो इसमें आएंगे। जैसे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन लीडर्स आएंगे यहाँ पे, ओके। सो की पॉइंट्स इसमें देखेंगे सागर मथा संवाद के बारे में। एक इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का है, ओके। ये एक परमानेंट एक बाईएनियल जो है ग्लोबल डायलॉग है जो कि हर 2 साल में होगा। ये जो कि स्टार्टिंग हो रहा है अभी 2020 से हो रहा है। इसमें एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है नेपाल का हिस्ट्री में ये। इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2019 में एंड इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। संवाद मीन्स क्या है ना, डायलॉग है, ओके। इसका जो नेम है कहाँ से लाया गया है ना, वर्ल्ड का जो टेलेस्ट माउंटेन है सागर मथा मीन्स माउंट एवरेस्ट, ओके। सो यहाँ से इसका जो है नाम लिया गया है सागर मथ, ओके, मथा। एंड डायलॉग जो है संवाद मीन्स डायलॉग है जो कि ये एक सिंबल ऑफ द फ्रेंडशिप है जो कि प्रमोट करेगा नेशन ऑफ द कॉमन गुड एंड कलेक्टिव वेलबींग ह्यूमैनिटी। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग है जो कि यहाँ पे कमिटेड टू डिलीवरेट होगा जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट इश्यूज जैसे ग्लोबल है, ओके, रीजनल है, नेशनल सिग्निफिकेंस है। सो इसका जो फर्स्ट एडिशन ऑफ सागर मथा जो संवाद है ये हेल्ड होगा काठमांडू में। ये 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल 2020 में। इस बार का जो थीम है, ओके, थीम ऑफ द सागर मथा जो है संवाद का, क्लाइमेट चेंज माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये होगा थीम, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो भी डायलॉग से, ओके, सो उसमें जो थीम है बहुत बार क्वेश्चन में आता है। सो दरअसल थैंक यू।